हेलो एवरीवन। तो आज हम सीक्वेंस सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने मौजूद हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस सीरीज से रिलेटेड कुछ nth प्रॉब्लम, मतलब nth प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले देखें कि लास्ट वीडियो में आप लोगों से हम क्या डिस्कस किए थे कि सीक्वेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस के बारे में क्या बताए थे कि सीक्वेंस जो होता है वो नंबर का कलेक्शन होता है या सेट्स होता है नंबर का। जब कभी भी आप नंबर को कलेक्ट करते हैं तो वो सीक्वेंस कहलाता है। उसके बाद लास्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस कितने तरह का होता है। तो उस केस में बताए थे कि सीक्वेंस जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता फाइनाइट से फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा क्या होता है इनफाइनाइट। फिर सीरीज के बारे में डिस्कस किए थे। सीरीज भी आप लोगों के बारे में क्या बताए थे कि सीरीज भी आपका दो तरह का होता है, फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज। उसके बाद आप लोगों से डिस्कस किए थे प्रोग्रेशन के बारे में। प्रोग्रेशन के केस में बताए थे कि जब सीक्वेंस का हर एक टर्म किसी पर्टिकुलर कंडीशन को माने तो वो प्रोग्रेशन कहलाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन में आए थे। फिर हम एपी डिस्कस किए थे कि एपी कब होगा, जब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म और लास्ट टर्म माइनस सेकेंड लास्ट टर्म का जो कॉमन डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सेम। उसके बाद हम nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव किए थे। nth टर्म का फॉर्मूला हम क्या बताए थे कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनता है आपका, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हम बता चुके थे। जहां पे ए किसको रिप्रेजेंट करता था, फर्स्ट टर्म को, डी किसको, कॉमन डिफरेंस को, और एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स को। तो ये सब चीज हम लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुके हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे nth टर्म से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कि आप लोगों को प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम के केस में आप देख सकते हैं कि आपके पास सो डैट द सीक्वेंस 9, 12, 15, 18 इज एन एपी। तो आपको यहां पे प्रूफ करना है कि जो सीक्वेंस दिया हुआ 9, 12, 15, 18 ये एपी में है, और आपको यहां पे फाइंड करना है 16th टर्म और जनरल टर्म। ध्यान दें, यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि 9, 12, 15 और 18 आपको दिखाना है कि ये सीक्वेंस एपी में है, और उसके बाद अगर ये एपी में है तो 16th टर्म क्या होगा, जनरल टर्म क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको पहले आप खुद से भी कोशिश करें और कोशिश करें खुद से बनाने का, इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं मेरे पास सीक्वेंस क्या था, ध्यान दें, 9, 12, 15 और 18। तो मेरे पास जो सीक्वेंस है वो है 9, फिर 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट। यहां पे कह रहा है कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं, पहले आप ये प्रूफ करें। तो एपी में होने के लिए हम आप लोगों को क्या बताए थे, गौर करें, ये आपका फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, डॉट डॉट डॉट। एपी में अगर कोई सीक्वेंस होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम। तो यहां पे अगर हम 12 माइनस 9 करें तो 12 माइनस 9 आपका किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। अगर हम यहां पे 15 माइनस 12 करें तो 15 माइनस 12 भी आपका किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अगर हम यहां पे 18 माइनस 15 करें तो 18 माइनस 15 भी आपका क्या आएगा, 3 के बराबर। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, मेरे पास जो सीक्वेंस है, यहां पे हम क्या देख रहे हैं, मेरे पास जो सीक्वेंस है उसमें हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म किए, फोर्थ माइनस थर्ड किए। तो यहां पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा वो क्या आ रहा, सेम आ रहा है। तो इसलिए ये सीक्वेंस आपका किस में हो गया, एपी में हो गया। उसके बाद क्या था कि अगर ये सीक्वेंस एपी में है तो आपको यहां पे फाइंड करना है कि 16th टर्म क्या होगा, 16th टर्म। तो देखिए यहां पे आपको क्या निकालना है, A16 निकालना है। तो A16, A16 का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, An का फॉर्मूला, An का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमको यहां पे क्या निकालना है, A16।
तो अगर ए 16 निकालना है तो ए 16 का फॉर्मूला क्या आएगा, ए प्लस 15 डी आएगा। यहां पे ए आपका क्या है फर्स्ट टर्म और डी आपका क्या है कॉमन टर्म। आंसर 99% केस में एनएच के टर्म्स में होता है, याद रखें। तो यहां पे आप देखिए ए एन आपका क्या आ गया 3n+6 जो कि एनएच टर्म के टर्म्स में था। तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से बन गया, जो कि आप देखें यहां पे सबसे पहले क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये सीक्वेंस एपी में है, उसके बाद 16th टर्म और जनरल टर्म निकालना था। अब हम यहां पे सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम यहां पे क्या है, सेकंड प्रॉब्लम है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 4, 9, 14, 19 इज 124। विच टर्म, तो जब कभी भी विच टर्म रहे मतलब कि आपको एन निकालना, याद रखें। जब कभी भी विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इस टाइप का स्टेटमेंट रहे मतलब कि आपको पता करना है एन कि किस टर्म पे ये जो सीक्वेंस है ये 124 होगा। यहां पे आप खुद देखिए 124, पहले तो क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें बढ़िया से। यहां पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 4। जब कभी भी आपके पास कोई सीक्वेंस होगा तो दो चीज आपके पास हमेशा होगा, याद रखें। जब कभी भी आपके पास अगर सीक्वेंस दिया हुआ तो दो चीज आपको हमेशा पता रहेगा, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। अगर सीक्वेंस दिया हुआ है, वो सीक्वेंस अगर एपी में है, तो दो चीज आपके साथ हमेशा तैयार है आपका हेल्प करने के लिए, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। यहां पे आप देखिए फर्स्ट टर्म किसके बराबर है 4 के बराबर, कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है 5 के बराबर, क्योंकि 9-4 अगर हम करेंगे तो 5 आएगा। ये सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है, पूछ रहा है कि कब ये कंटिन्यू होते होते 124 पे पहुंचेगा। तो ये मतलब आपका लास्ट टर्म हुआ, तो 124 को हम यहां पे nth टर्म मानेंगे। 124 को हम यहां पे क्या मानेंगे, nth टर्म। तो गौर करें 124 को nth टर्म माने तो an इज इक्वल टू 124। यहां पे फर्स्ट टर्म आपका किसके बराबर है 4 के बराबर, और कॉमन डिफरेंस किसके बराबर है आपका 5 के बराबर। तो फर्स्ट टर्म यहां पे 4 और कॉमन डिफरेंस 5, जो गिवन है पहले उसको हम लिख दिए 5। निकालना क्या है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाते हैं हम आराम से, an, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम an का फॉर्मूला लगा दिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे आप देखिए खुद a किसके बराबर है 4 के बराबर, तो इन प्लेस ऑफ a हम 4 रखें, प्लस n माइनस 1। d किसके बराबर है 5 के बराबर, तो 5 रखें। और यहां पे an आपका क्या है 124, तो यहां पे हम an की जगह पे 124 रखें। अब आपको पता क्या करना है n, आप खुद देखिए आपके पास तो एक इक्वेशन है, किसके टर्म्स में है, n के टर्म्स में है, तो n के टर्म्स में है, तो यहां से n निकाल ले, 4 को उठा के इधर भेजे 120, ये आपका क्या बनेगा n माइनस 1 इंटू 5 बना। अब अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं इसको, आपका 3 के बराबर है, और लास्ट टर्म भी आपको पता है, लास्ट टर्म आपका किसके बराबर है 111 के बराबर। तो चलिए आराम से इसको हम निकालते हैं, ध्यान दें यहां पे an 111, फर्स्ट टर्म आपका 3, कॉमन डिफरेंस भी 3। सबसे पहला काम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे an का फॉर्मूला हम जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी is equal to what an। यहां पे आप देखें खुद a किसके बराबर है 3 के बराबर, तो यहां 3 रखें, प्लस n माइनस 1 d यहां पे किसके बराबर है 3 के बराबर, तो यहां 3 रखें, और an के प्लेस पे क्या रखेंगे 111। अब हम इस 3 को उठा के लेफ्ट राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये n माइनस 1 इंटू 3, ये 111 माइनस 3, तो 111 माइनस 3 is what 108, और ये n माइनस 1 इंटू 3। अब हम यहां पे 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये n माइनस 1 108 डिवाइड बाई 3 आया, तो 108 डिवाइड बाई 3, तो ये n माइनस 1 इज इक्वल टू 36, तो n का वैल्यू क्या आ गया 37। तो गौर करें यहां पे n का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 37। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने आंसर भी इसमें किया है, जैसे आयुष देव, ठीक है, करण 25th नहीं होगा 37 होगा, अरुण 37, पलक कोमल, ठीक है गुड, 25 नहीं, इसका आंसर क्या आएगा 37 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में भी हम क्या देखें कि फर्स्ट टर्म आपका गिवन था,
जब कभी भी सीक्वेंस गिवन रहेगा, मतलब फर्स्ट टर्म पता रहेगा, कॉमन डिफरेंस पता रहेगा, और लास्ट टर्म पता था तो वहां से हम क्या निकाल लिए, एन। तो ये था आपका थर्ड प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, सो दैट द सम ऑफ, आराम से क्वेश्चन को पढ़े, सम ऑफ एम प्लस एनथ टर्म एंड एम माइनस एनथ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू ट्वाइस द एमथ टर्म। यहां पे क्या कह रहा है कि एम प्लस एनथ टर्म और एम माइनस एनथ टर्म को जब हम जोड़ेंगे तो वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एमथ टर्म। क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां पर खुद देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि एम प्लस एनथ टर्म और एम माइनस एनथ टर्म, इन दोनों टर्म को जब हम जोड़ेंगे तो ये बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ए एम के। ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ ए एम। यही प्रूफ करना, एकदम आराम से ले जाएं, प्रॉब्लम बहुत आसानी से बनेगा। हम यहां पर लेफ्ट हैंड साइड रखें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन। फॉर्मूला हम लगाने जानते हैं, फॉर्मूला मेरे को पता है, ए एन का फॉर्मूला ये एकदम याद रहना चाहिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप यहां पे देखें आपके पास क्या है, एम प्लस एनएच टर्म है, तो एम प्लस एनएच टर्म है तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी बनेगा। यहां पे देखिए एन था तो ये क्या बना, एन माइनस वन, जो एन ए के सफिक्स में होगा उससे एक कम डी का मल्टीप्लायर होगा। यहां पे ए के सफिक्स में क्या है, एम प्लस एन, तो इससे एक कम किसका मल्टीप्लायर होगा, डी का। तो देखिए एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहां पे ए एम माइनस एन है तो ये आपका क्या बनेगा, ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसको सिंपली सिंप्लीफाई करें आराम से, यहां पे देखिए ए है, यहां पे क्या है ए, तो ए और ए क्या बनेगा, 2a, तो ये आपके पास 2a बना। अब देखिए इससे और इससे, इन दोनों से हम d कॉमन लेते हैं, इन दोनों से हम आसानी से d कॉमन ले सकते हैं, तो d कॉमन दे लिए तो ये क्या आ जाएगा, m प्लस एन माइनस वन, यहां से आपके पास क्या आएगा, प्लस m माइनस एन माइनस वन। हम यहां पे क्या किए, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, ए एम प्लस एन प्लस ए एम माइनस एन, प्रूफ करना है कि ये ट्वाइस ऑफ ए एम के बराबर है। यहां पे ए एम प्लस एन ए एम माइनस एन, सबसे पहले हम ए एम प्लस एन का फॉर्मूला लगा दिए, तो ए एम प्लस एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसी तरह से इसका फॉर्मूला लगाए। यहां पे देखिए ए है और ए, ए और ए ऐड किए तो क्या बना, टू ए, इन दोनों से हम डी कॉमन ले लिए तो डी कॉमन लिए तो मेरे पास क्या आ गया, एम प्लस एन माइनस वन, और यहां से क्या आ गया, एम माइनस एन माइनस वन। अब ये n और ये n कैंसिल हो गया, यहां पे m यहां पे m, m प्लस m क्या बनेगा, 2m, तो ये आपका 2a हुआ, d हुआ, इधर आपका क्या आ गया, 2m, और माइनस वन माइनस वन क्या बन गया, माइनस टू। अब यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन, तो ये 2a 2d और क्या बचा आपके पास, m माइनस वन। अब गौर करें यहां भी 2 है यहां भी 2 है, हम इन दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 जब कॉमन ले सकते हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा आपके पास, a बचा, इधर से आपके पास m माइनस वन इंटू डी बचा। अब आप खुद देखिए ये आपके पास एक फॉर्मूला में आ गया, am, am का फॉर्मूला क्या होगा, आप खुद सोचिए, an अगर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है तो am क्या बनेगा, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी के बराबर बनेगा कि नहीं, तो इस पूरे के जगह पे हम क्या रखेंगे, am, तो ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया 2am। तो देखिए यहां पर भी इस प्रॉब्लम में भी कुछ नहीं था, सिंपली जो गिवन था जो हम अप्लाई कर सकते थे वो अप्लाई किए। यहां पे हम ए एम प्लस एन और ए एम माइनस एन का फॉर्मूला लगा सकते थे, फॉर्मूला लगाए, सिंप्लीफाई किए, रिजल्ट मेरे पास आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को। क्वेश्चन नंबर फाइव, ये प्रॉब्लम बढ़िया प्रॉब्लम है, इस टाइप का क्वेश्चन मेंस वगैरह में पूछा जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें, ठीक है, कोशिश करें आप लोग खुद बनाने का, पहले आप लोग ट्राई करें। यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि दो एपी दिया हुआ है, एक एपी है 2, 5, 8 डॉट डॉट डॉट, ये 50 टर्म्स तक जा रहा, ध्यान दे ये कहां तक जा रहा, 50 टर्म्स तक ये कंटिन्यू है। दूसरा एपी है 3, 5, 7, 9 अप टू ये 60 टर्म तक जा रहा, तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल,
इन दोनों सीक्वेंस में कितना टर्म्स आइडेंटिकल होगा ये बताना। चलिए आप जल्दी से बनाएं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखें सबसे पहले कौन इसका आंसर बताता है। यहां पे आपके पास दो सीक्वेंस है, दो सीक्वेंस आपको यहां पे आंसर करना है। क्या क्या है सीक्वेंस? पहला सीक्वेंस है आपके पास 258 अप टू 50 टर्म्स, तो ये 2 फिर 5 फिर 8। थोड़ा ऑब्जर्व करें, 3 3 का कॉमन डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 11, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 14, डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जा रहा? अप टू 50 टर्म्स तक, अप टू 50 टर्म्स। ठीक, अब हम दूसरा सीक्वेंस लेते हैं। दूसरा सीक्वेंस मेरे पास क्या है, 3579, 3579, और ये कहां तक जा रहा 60 तक, तो ये 3579, फिर क्या होगा सोचिए, दो दो का कॉमन डिफरेंस है 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जा रहा अप टू 60th टर्म। अब सोचिए जरा, हमको पता करना है कि इन दोनों सीक्वेंस में कितना टर्म आइडेंटिकल है, इन दोनों सीक्वेंस में कितना टर्म आइडेंटिकल है। तो हम यहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों सीक्वेंस का लास्ट टर्म निकालते हैं। ये 50 तक जा रहा है, तो अगर फर्स्ट सीक्वेंस 50 तक जा रहा है तो क्वाइट ऑब्वियस है इसका जो लास्ट टर्म होगा वो 50th टर्म होगा। लास्ट टर्म इसका क्या होगा, A50। ये कहां तक जा रहा है, 60 तक जा रहा है, तो अगर ये 60 तक जा रहा है तो इसका लास्ट टर्म क्या होगा, A60। तो हम सबसे पहले इस सीक्वेंस का A50 मतलब लास्ट टर्म निकालते हैं, और इस सीक्वेंस का A60 मतलब लास्ट टर्म निकालते हैं। तो पहले वाले का अगर हम A50 निकाले तो A50 फॉर्मूला क्या बनेगा, A+49D। फर्स्ट वाले सीक्वेंस में ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपका क्या है 2, तो यहां पे हम 2 रखें, प्लस 49 इनटू डी। डी यहां पे क्या है आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाले सीक्वेंस में डी आपका 3 है, तो यहां 3 रखें, तो 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 आपका क्या बनता है 147, 147 प्लस 2 इज व्हाट 149। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला जो सीक्वेंस है 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, ये कहां पे जाके रुकेगा, तो 149 पे रुकेगा। 2 5 8 11 14, इसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो 149 होगा। अब हम दूसरे वाले सीक्वेंस का लास्ट टर्म मतलब A60 निकालते हैं, तो A60 फॉर्मूला क्या होता है, A+ यहां पे 60 है, तो ये क्या बनेगा 59D बनेगा। दूसरे वाले सीक्वेंस में आपका फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो यहां पे 3 रखे, प्लस 59 इंटू कॉमन डिफरेंस, यहां पे कॉमन डिफरेंस आप खुद देखिए क्या है 2, तो 59 इंटू 2 118 प्लस 3, तो ये आपका क्या बनेगा 121। मतलब कि जो पहला वाला सीक्वेंस है उसका लास्ट टर्म 149 होगा, जो दूसरा वाला सीक्वेंस है उसका लास्ट टर्म क्या होगा 121। फर्स्ट वाले सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या होगा आपका 149, और दूसरे वाले सीक्वेंस का लास्ट टर्म क्या होगा 121। ठीक, अब ध्यान दे, इसका मतलब क्या हो गया कि जो फर्स्ट वाला सीक्वेंस है, जो आपका फर्स्ट वाला सीक्वेंस है, फर्स्ट वाला सीक्वेंस क्या था 258, ध्यान दे 2 5 8 11 डॉट डॉट डॉट, ये कहां पे जाके रुकेगा 149 पे। जो सेकेंड वाला सीक्वेंस है, सेकेंड वाला सीक्वेंस क्या है 357, ये कहां पे जो रुकेगा 121 पे, तो ये 357 फिर 9 11 डॉट डॉट डॉट, इसका लास्ट टर्म क्या आएगा 121। अब हमको इन दोनों का आइडेंटिकल टर्म निकालना। अब यहां पे थोड़ा कॉमन सेंस लगा है, ये 121 पे जाके रुक रहा और ये 149 पे रुक रहा, तो अगर ये 121 पे सेकेंड वाला सीक्वेंस रुक रहा है, इसका मतलब साफ है कि इन दोनों में जो आइडेंटिकल टर्म होगा, जो आइडेंटिकल टर्म होगा वो 121 तक ही होगा, 121 के बाद तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 121 के बाद अगर कोई टर्म है, जैसे इसमें है 121 के बाद, तो 121 के बाद जो भी नंबर आएगा वो नंबर इसमें नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर लास्ट टर्म 121 है। मतलब कि जो आइडेंटिकल टर्म का सीक्वेंस होगा उसका लास्ट टर्म या तो 121 होगा या फिर 121 से क्या होगा कम। थोड़ा यहां पे सोचना है, यहां पे देखिए लास्ट टर्म 121 है, यहां का लास्ट टर्म 149 है, इसका मतलब साफ है
कि 121 तक जो भी आइडेंटिकल टर्म आएगा, जो भी आइडेंटिकल टर्म आएगा वो 121 तक ही आएगा, क्योंकि 121 के बाद सेकेंड वाले सीक्वेंस में कोई नंबर ही नहीं है। अब हम दोनों को जरा कंपेयर करके देखते हैं कि आइडेंटिकल क्या है। देखिए दोनों में 5 है, फिर यहां पे भी आप देख सकते हैं 11। अब यहां पे गौर करें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 6 का। अगर आप थोड़ा और आगे बढ़े, इसमें 14 आएगा, इसमें 17, इसमें भी आप देखिए 13 आएगा, 15 आएगा, 17, तो देखिए फिर यहां पे 17 आ रहा। मतलब कि जो आइडेंटिकल टर्म का सीक्वेंस होगा उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या आएगा 6, और लास्ट टर्म क्या हो सकता 121 होगा या 121 से कम होगा। यहां पे कॉमन डिफरेंस आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 3, और सेकेंड वाले का कॉमन डिफरेंस क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आइडेंटिकल टर्म का क्या रहा 6। तो हम यहां पे मान देते हैं कि जो आइडेंटिकल सीक्वेंस है उसका जो लास्ट टर्म होगा वो या तो 121 होगा या फिर 121 से कम होगा। फर्स्ट टर्म आपका क्या है 5 है, और कॉमन डिफरेंस आपका क्या है 6। तो यहां पे an जो होगा वो क्या आएगा लेस देन इक्वल टू 121। अब an का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, तो ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 121। ए क्या आपका 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी आपका किसके बराबर 6, लेस देन इक्वल टू 121। 5 को अगर हम उठा के इधर भेजें तो n माइनस 1 इंटू 6 लेस देन इक्वल टू आपका क्या बनेगा 116। अब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो n माइनस 1 आपका क्या आएगा 116 बाई 6, 116 बाई 6। तो ये 116 बाई 6 आप खुद सोचिए, सॉरी लेस देन इक्वल टू है, ये 116 बाई 6 आप यहां पे खुद सोचिए, ये 19 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये n माइनस 1 जो आ गया वो लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 19 पॉइंट समथिंग। 1 को उठा के इधर भेजे तो n लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 19 पॉइंट समथिंग प्लस 1। 19 पॉइंट समथिंग प्लस 1 इज व्हाट n लेस देन इक्वल टू 20। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यहां पे एक टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी। इसका मतलब क्या है कि अगर अपने मन से हमको टर्म का सिलेक्शन करना है, अगर अपने मन से टर्म का सिलेक्शन करना है तो टर्म का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे ये देखना। अपने मन से अगर टर्म का सिलेक्शन करना तो गौर करें, ध्यान दे, यहां पे क्या है कि अगर तीन टर्म का सिलेक्शन करना, अपने मन से तीन टर्म का सिलेक्शन, तो एक तो आपका a होगा, दूसरा हम लेते हैं a प्लस डी, और तीसरा हम लेते हैं a माइनस डी। यहां पे हो क्या रहा है, हम a लिए फर्स्ट टर्म, इधर बढ़े तो प्लस डी की, इधर बढ़े तो माइनस डी की। यहां पे अगर हम देखें गौर से तो ये सीक्वेंस एपी में है और इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या है डी। अगर हमको पांच टर्म का सिलेक्शन करना है, ऑड टर्म्स का सिलेक्शन, हमको अगर टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो टर्म्स क्या होता है आपका इंटीजर। अब इंटीजर में क्या आता है, इवन टर्म्स आता है और ऑड टर्म्स आता है। तो अब सवाल उठता है कि सर टर्म्स का सिलेक्शन तो करना है, तो कैसे टर्म्स का सिलेक्शन करना, ऑड टर्म्स का सिलेक्शन करना या इवन टर्म्स का सिलेक्शन। तो यहां पे दो केसेस बनेगा सीधा कि ऑड टर्म्स का सिलेक्शन करना या इवन टर्म्स का। तो अगर हमको ऑड टर्म्स का सिलेक्शन करना है, ऑड जैसे 3 का सिलेक्शन करना हो, 5 का सिलेक्शन करना हो, 7 टर्म्स का सिलेक्शन करना हो, तो उस केस में आप कॉमन डिफरेंस डी रखें। उस केस में आप कॉमन डिफरेंस क्या रखें डी। हम यहां पे एक टर्म ले लिए ए, तो जैसे ही इधर बढ़ेंगे डी बढ़ा दिए ए प्लस डी, इधर बढ़े डी घटा दिए ए माइनस डी। अब आप यहां पे खुद देख सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका किस में है, एपी में है। इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या है डी। तो ऑड टर्म के केस में आप कॉमन डिफरेंस हमेशा डी रखें। अगर पांच टर्म का सिलेक्शन करना तो ये तीन टर्म पहले ले ले, ए ले लिए, ए प्लस डी लिए और ए माइनस डी। अभी दो टर्म और चाहिए तो इधर डी बढ़ा दे, तो इसमें डी बढ़ाएंगे तो क्या आएगा ए प्लस टू डी, और इधर डी घटा दे तो ये क्या बनेगा ए माइनस टू डी। अगर सात टर्म्स का सिलेक्शन करना हो तो सिंपल ए ले लीजिए, सेवन क्या है ऑड, ऑड में कॉमन डिफरेंस क्या होगा डी, तो इधर डी बढ़ाएं इधर डी घटाएं, फिर इधर डी बढ़ाइए इधर डी घटाएं, फिर इधर डी बढ़ा दे और इधर फिर डी घटा दे। एकदम सिंपल तरीके से हम कर सकते। फॉर ऑड टर्म में याद रखें कॉमन डिफरेंस डी, एक तरफ बढ़ाएंगे और एक तरफ घटाएंगे, एक तरफ डी बढ़ाएंगे ऐड करते जाएंगे और एक तरफ डी को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे,
यहां पे a था तो a प्लस डी, a a माइनस डी, पांच टर्म में a लिए फिर क्या हो गया, a प्लस डी तो a माइनस डी, a प्लस टू डी तो a माइनस टू डी, यहां पे a था तो a प्लस डी a माइनस डी, फिर a प्लस टू डी किए a माइनस टू डी, फिर a प्लस थ्री डी किए a माइनस थ्री डी। ऑड के केस में कॉमन डिफरेंस आप हमेशा क्या रखेंगे, a d। यहां पे आप देखिए एक सिमेट्रिसिटी को ये मेंटेन कर रहा, जिस तरह से ये राइट साइड में बढ़ रहा वैसे ही लेफ्ट साइड में बढ़ रहा, जैसे ये राइट साइड में जा रहा वैसे ही लेफ्ट साइड में जा रहा, फर्क बस इतना है कि राइट साइड में प्लस ले रहा लेफ्ट साइड में माइनस ले रहा। तो इस तरह के फॉर्म को हम सिमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ सिलेक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे हम टर्म का सिलेक्शन कर रहे। तो ये था ऑड का कहानी। अगर हमको इवन टर्म्स का सिलेक्शन करना हो तो ऑड में आप कॉमन डिफरेंस क्या रखें, डी। इवन के केस में आप कॉमन डिफरेंस 2d रखेंगे, याद रखिए इवन के केस में कॉमन डिफरेंस 2d। दो टर्म हम लिए, एक a माइनस डी और a प्लस डी लिए। यहां पे देखिए अगर हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करें तो यहां पे कॉमन डिफरेंस आपका क्या आएगा, 2d। अगर आपको ये याद है और ये आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस हमको 2d लेना है इवन में, तो आप किसी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। चार टर्म का सिलेक्शन करना है तो पहले दो लिख दे, a माइनस डी लिख दिए a प्लस डी। अब इधर भी बढ़ाएंगे, दो टर्म और चाहिए तो यहां पे कॉमन डिफरेंस है 2d, तो कॉमन डिफरेंस है 2d तो यहां पे 2d बढ़ाएं, तो d में 2d ऐड करेंगे तो ये a प्लस 3d होगा, यहां पे d में माइनस d में 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, a माइनस 3d। तो देखिए चार टर्म हो गया। अगर छह टर्म का सिलेक्शन करना हो, खाली आपको ये दिमाग में रखना, ये a माइनस d और a प्लस d हो गया, छह टर्म का सिलेक्शन करना, कॉमन डिफरेंस 2d हम एक तरफ ऐड करेंगे एक तरफ क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहां पे कॉमन डिफरेंस हम ऐड करते हैं तो ये a प्लस 3d, यहां पे 2d हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट तो a माइनस 3d, फिर हम यहां पे क्या करेंगे 2d ऐड करेंगे तो ये a प्लस 5d, इधर 2d सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा a माइनस 5d। इस तरीके से हम टर्म्स का सिलेक्शन करेंगे। ऑड के केस में कॉमन डिफरेंस आपको d रखना है, इवन के केस में कॉमन डिफरेंस आपको 2d रखना। ऑड में एक टर्म a होगा, बढ़ना है तो एक तरफ प्लस डी ऐड करेंगे एक तरफ माइनस डी। इवन में दो टर्म आपको दिमाग में रखना है, ए माइनस डी और ए प्लस डी, अगर बढ़ेंगे तो 2d ऐड करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2d सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। ये है आपका टर्म का सिलेक्शन करने का तरीका। इसी तरीके से हम टर्म्स को सिलेक्ट करते हैं। यहां पे देखिए तीन टर्म का सिलेक्शन किया है तो ए ए प्लस डी ए माइनस डी, फिर नेक्स्ट में क्या किए चार टर्म का सिलेक्शन तो देखिए ए माइनस डी ए प्लस डी, फिर ए प्लस 3d ए माइनस 3d, कॉमन डिफरेंस क्या है 2d। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर ऐसा करेंगे क्या, हम तो सिंपली भी ले सकते हैं a a प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। देखिए ऐसा कब करते हैं, ध्यान दें, जब कभी भी आपका सम ऑफ द, माने सम ऑफ द थ्री टर्म्स कह दिया या सम ऑफ द फोर टर्म्स कह दिया या सम ऑफ द फाइव टर्म्स कह दिया, तो उस केस में आप इस तरीके से ही सेलेक्ट करेंगे, इस तरीके से ही टर्म को लेंगे। जब कभी भी प्रॉब्लम में, जो भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड होगा, उसमें अगर सम इन्वॉल्व होगा, उसमें अगर तीन टर्म का सम या चार टर्म का सम या पांच टर्म का सम दिया रहेगा, तो आप टर्म का सिलेक्शन इसी के बेसिस पे करेंगे, उससे आपका कैलकुलेशन आसान होगा, आंसर जल्दी आएगा। लेकिन अगर कहीं पे सम का जिक्र नहीं है, अगर सम ऑफ थ्री टर्म्स या सम ऑफ फोर टर्म्स या सम ऑफ फाइव टर्म्स नहीं गिवन हो, तो उस केस में आपको जैसे मन करे वैसे सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए हम आपको इस, मतलब सम अगर गिवन है तो भी आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके से सम को सेलेक्ट करेंगे तो, मतलब टर्म को सेलेक्ट करेंगे तो आप आसानी से प्रॉब्लम को बना पाएंगे, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं जाएगा। जैसे अगर हम कुछ प्रॉब्लम देखें, यहां पे देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज माइनस थ्री। गौर करें, आपको यहां पे ध्यान देना है, यहां पे देखिए सम दे दिया, सम हम आपको क्या बताएं कि जब सम दिया रहे तो जो सिमेट्रिक फॉर्म जो भी हम बताएं सिलेक्शन करने का तरीका, उस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पे देखिए सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज माइनस थ्री, तो सम ऑफ थ्री नंबर्स इन एपी इज माइनस थ्री दे चुका है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 16, सॉरी एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, और उसका प्रोडक्ट दे दिया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, तीन नंबर का सम दे दिया, हमको नंबर निकालना,
तो पहले हम तीन टर्म का सिलेक्शन कर दिए, ए, ए प्लस डी और ए माइनस डी। इसमें क्यों किए? क्योंकि यहां पे सम गिवन है। अगर सम गिवन नहीं होता तो आप आराम से जैसे मन करे वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों का सम 8 है, तो तीनों को जोड़े, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी, ये कितना आपका साइड -3 गिवन है, -3, यस -3, तो ये -3 हो गया। देखिए इससे फायदा क्या हो गया, डी और डी कैंसिल हो गया, तो डी और डी क्या हो गया, कैंसिल। ये ए, ए और ए मिलके क्या बना, 3a = 3। यहां पे बताइए ए का वैल्यू 1 आ गया, ए का वैल्यू आपका क्या आ गया, 1। तो जब कभी भी सम गिवन रहेगा तो आप इस तरीके से लेंगे तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम बनेगा। यहां पे देखिए डी के, यहां पे ए निकालने के हमको ज्यादा मेहनत नहीं लगा क्योंकि सिमेट्रिक फॉर्म में था, इसलिए डी यहां पे क्या हो गया, कैंसिल, तो ए का वैल्यू निकल गया। अब यहां पे सेकंड कंडीशन को देखिए, सेकंड कंडीशन क्या है, एंडर प्रोडक्ट इज 8, मतलब उन तीनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो 8 होगा, उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट 8, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ए माइनस डी इंटू ए, ए प्लस डी इज इक्वल टू 8। अब देखिए ये ए माइनस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो ए बाहर, ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बना, 8। ए का वैल्यू मालूम है, ए का वैल्यू यहां पुट करें तो 1 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये 1 को उठा के इधर भेजें तो ये 1 माइनस डी स्क्वायर हो गया, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू, सॉरी यहाँ -3 था, ये -3 है, तो ए का वैल्यू आएगा -1, यहाँ पे देखिए -1, तो ये माइनस और यहाँ पे माइनस का स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू -1 है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ए हम 1 लिख दिए थे, तो ए के यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया, 1 - d² = -8, 1 को उधर ले जाएं तो -d² = -9, तो यहाँ से डी स्क्वायर आपका क्या आ गया, 9, तो d का वैल्यू क्या आ गया, +-3। देखिए आराम से यहाँ पे कैलकुलेशन जो था वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं था, हम आराम से d निकालिए, d का वैल्यू क्या आया, +-3। तो a का वैल्यू आपके पास आया -1 और d का वैल्यू आ गया 3 भी है और -3 भी है। तो एक बार हम डी 3 लेंगे और एक बार -3 लेंगे, यहां पे रखते हैं, ए के जगह पे क्या रखेंगे, -1, डी के जगह पे अगर हम 3 लेते हैं तो देखिए ये क्या बनेगा, -1 + 3, इधर डी के यहाँ पे 3 लेंगे तो ये -1 - 3, ये आपका क्या आ रहा है, -4 आया, ये -1 आया और ये आपका क्या आ गया, 2, तो ये आपका एक सीक्वेंस हो गया। तो ये सीक्वेंस कैसे बना, ए हम -1 लिए और डी क्या लिए, 3। अब हम क्या करते हैं, ए -1 लेते हैं और डी -3 लेते हैं, यहाँ पुट करें तो -1, यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 और d के यहाँ पे -3, तो ये -3, यहाँ पे अगर हम रखें तो a के जगह पे -1 और d के यहाँ पे -3, और पहले से माइनस है तो ये क्या बनेगा, +3। गौर करें ये आपके पास क्या आया, 2 - 1 - 4, तो ये सीक्वेंस। अगर आप इन दोनों सीक्वेंस को ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल, दोनों एक, सॉरी रिवर्स, एक दूसरे का क्या है, रिवर्स, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे आपका क्या है, 2 - 1 - 4। तो जब d का वैल्यू प्लस माइनस में आए, जैसे यहाँ पे d का वैल्यू क्या है, +-3, या इस टाइप के प्रॉब्लम में दो सीक्वेंस मिलेगा आपको हमेशा, इस टाइप के प्रॉब्लम में दो सीक्वेंस मिलेगा और देखेंगे आप क्या कि वो दोनों सीक्वेंस एक दूसरे का रिवर्स होगा। जैसे यहाँ पे -4 - 1 और 2 आया तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 2 - 1 और -4। तो ये था प्रॉब्लम। तो याद रखें जब कभी भी सम दिया रहे तो आप इसी तरीके से करेंगे टर्म का सिलेक्शन, क्योंकि इससे फायदा यह है कि कैलकुलेशन बहुत आसान होगा, बहुत आसानी से आप प्रॉब्लम को बना पाएंगे। तो यह था एक प्रॉब्लम। अब हम दूसरे प्रॉब्लम को देखें, यहां पे दूसरा प्रॉब्लम क्या है, डिवाइड 32 into 4 parts, 32 को 4 parts में डिवाइड करना, इस तरीके से डिवाइड करना है। अच्छा विचार ही नहीं एपी, जो कि एपी में होना चाहिए, 32 को 4 parts में डिवाइड करना, मतलब चारों पार्ट का सम 32 होगा। ध्यान दे यहां पे डायरेक्टली नहीं कह रहा कि सम ऑफ द 4 terms इन एपी इज 32, यहां पे कह रहा 32 को 4 parts में डिवाइड करें जो कि एपी में होना चाहिए। तो 4 parts में डिवाइड करें जो कि एपी में होना चाहिए, मतलब क्या कि उन चारों पार्ट का सम 32 होना चाहिए, मतलब कि यहां पे इनडायरेक्ट वे में चारों टर्म का सम दिया होगा। चारों टर्म का सम क्या है, 32, तो चार टर्म का सिलेक्शन करना पड़ेगा, चूंकि चारों टर्म का सम दिया है, सम गिवन है, तो किस तरीके से करना है जैसे अभी हम बताएं। उसके बाद क्या कह रहा, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम्स का मतलब क्या होता है, दोनों एंड, मतलब दोनों एंड का प्रोडक्ट डिवाइड बाई
दोनों मीन टर्म का प्रोडक्ट, मतलब दोनों बीच में जो दो टर्म है उसका प्रोडक्ट जो है वो रेशियो है 7:15। ध्यान दें यहां पे हम चार टर्म का सिलेक्शन किए, इवन है तो a माइनस डी, ए प्लस डी, फिर क्या होगा a प्लस 3d और a माइनस 3d। यहां पे साफ कह रहा है कि इन चारों का सम 32 है, तो ये a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। यहां पे देखिए प्लस 3d प्लस माइनस 3d कैंसिल, d और d कैंसिल, 4a इज इक्वल टू आपका क्या आ गया 32, a का वैल्यू क्या आ गया 8। देखिए कितना आराम से निकल गया 8। उसके बाद क्या कह रहा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स, ध्यान दे यहां पे, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन इज 7/18। इसका मतलब एक्सट्रीम यहां पे ये टर्म है और ये टर्म एक्सट्रीम्स टर्म है, और ये दोनों टर्म जो कहलाता है ये मीन टर्म कहलाता है। मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट a माइनस 3d इंटू ए प्लस 3d डिवाइड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये आपका बराबर है 7/15 के। ये आपका किसके बराबर है 7/15, तो 7/15 a का वैल्यू मालूम है। पहले यहां पे फॉर्मूला में देखिए, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो ये ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर बनेगा, ये आपका ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 7/15 बना। पहले हम इसको कैलकुलेट मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद पुट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 15 ए स्क्वायर और 15 इंटू 9 आपका क्या बनेगा 125d स्क्वायर बना, ठीक है। और इधर अब हम करेंगे तो ये 7a² माइनस 7d स्क्वायर, 7a² को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो ये 8a², इसको अगर हम उठा के इधर ले आएंगे तो ये आपका क्या बनेगा 118d स्क्वायर। तो 8a² इज इक्वल टू 118d स्क्वायर बना। अब देख रहे हैं यहाँ पे 7 को इधर ले जाएंगे तो ये बना 8, और 125 को इधर लाएंगे तो ये 118, ठीक है। ये अगर कैंसिल हो रहा तो इसको हम कैंसिल भी कर देते हैं, ये 4, और ये आपका क्या बनेगा 59, तो ये ए स्क्वायर आपका क्या बन गया, ए का वैल्यू पता है, डी का निकालना, तो डी स्क्वायर आपका क्या बनेगा 4/59 इंटू डी के जगह ए के यहाँ पे क्या रखेंगे 8, 8 का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 64, तो ये 8 का स्क्वायर आपका 64 आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे देख ले, यहाँ पे क्या किए थे, चार नंबर था तो चारों नंबर का सम 32 दिया हुआ, तो ए निकाल लिया। इसका यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, मतलब ए माइनस 3d ए प्लस 3d ए माइनस डी ए प्लस डी क्या है आपका 7/15। इसके बाद हम कैलकुलेशन किए तो ये a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर आया और ये a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये 15a² 15 इंटू 9 आपका क्या बनता है 125d स्क्वायर और ये आपका क्या आ गया 7a² माइनस 7d स्क्वायर। इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये 8a² हुआ और 125 को इधर ले आए तो ये आपका क्या हो गया 118d स्क्वायर। तो डी स्क्वायर अब एक इसको यहां रख दिए तो यहां से देखिए आपका डी निकल जाएगा, तो डी आप कैलकुलेट करके डी का वैल्यू निकाल दें, डी निकल गया, ए को हम यहां रख देंगे, डी का वैल्यू रख देंगे। यहां पे भी देखिए डी का आपका क्या आ रहा है स्क्वायर आ रहा, तो डी का स्क्वायर आ रहा, मतलब डी का कितना वैल्यू आएगा, दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। तो ये था आपका प्रॉब्लम। इसमें मेन क्या सीखना था कि जब कभी भी आपको टर्म का सिलेक्शन करना हो, सम गिवन है तो सिमेट्रिक फॉर्म से ही आप सिलेक्ट करेंगे। देखिए थोड़ा लाइव क्लासेस ले रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक, तो कैलकुलेशन को आप थोड़ा देख लेंगे। तो ये था आपका प्रॉब्लम। अब यहां पे हमको सम ऑफ nth टर्म देखना कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी क्या होगा। तो सम ऑफ nth टर्म इसका मतलब क्या है कि जैसे ध्यान दें, ये a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, इस तरह से हम nth टर्म में जाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको इस सब टर्म का सम निकालना, सारे टर्म का क्या निकालना, सम, कुछ तो सम होगा। जब सीक्वेंस से हम सीरीज में जाते हैं तो सीरीज का क्या निकाल सकते हैं सब, जैसे अगर आपके पास एक सीक्वेंस है 1, 2, 3, अगर हम इसको सीरीज में कन्वर्ट करें तो ये 1 + 2 + 3 होगा कि नहीं, तो इसका सम क्या हो जाता है 6। तो जब कभी भी आप सम में जाते हैं तो सम में जाने के बाद आप उसका सम निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से अगर आपके पास एक सीक्वेंस है a1, a2, a3, .. an, हमको इसका सम निकालना,
इसका क्या निकालना, सम। इसका मतलब किसको सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, तो सीरीज में क्या बनेगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस डॉट 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 ए एन, इसका सम। तो सम का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है सम का फॉर्मूला, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे ये स्मॉल n जो है ये नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, यहां पे a जो है ये फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और d किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस को। अगर हम चाहें तो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, कैसे, sn का फॉर्मूला आपके पास क्या है, n बाई टू, इस टू ए को हम a प्लस ए लिख सकते हैं और इधर n माइनस वन इंटू डी। अब जरा गौर करें, ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया, तो ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपका किसके बराबर होता है, nth टर्म के बराबर, लास्ट टर्म के बराबर, तो ये आपका a बाई टू इंटू ए प्लस ए एन हो गया, या फिर इसको हम कह सकते हैं a बाई टू इंटू ए प्लस एल। तो ये हो गया आपका सम का फॉर्मूला, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एल, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एल। यहां पे क्या था करना था, हमको सम निकालना था, तो सम ऑफ द सीरीज कर लिए, फॉर्मूला क्या हो गया, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, जहां पे एल आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा, लास्ट टर्म को। तो ये था आपका। अब इस पे एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आप लोग खुद बना के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे इसका आंसर। यहां पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ 28th टर्म, फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द एपी 1 4 7 10। फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 20। आराम से फॉर्मूला लगाए और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किए, एनएच टर्म्स से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस किए, सेलेक्शन ऑफ द टर्म्स को डिस्कस किए, और सम ऑफ द एन टर्म्स के फॉर्मूला को डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को सम ऑफ द एन टर्म्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।